जी मीडिया पर इस समय वो स्कूल की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो है शख्स हाकम की जिसके आतंकवादी की मदद की और ये वो शख्स है जो उनको घर पे खाना खिला रहा था। हाकम सिंह एक पल के लिए भी तुम्हें शर्म आंडे भी चेक आंडे वीरो मैं ये साथी कॉन्फ्रेंस जो है एसएसपी यासीन मुरी का नंबर 31/2024 अंडर सेक्शन 302-307 आईपीसी 727 आर्म्स एक्ट 16-18-20 यूएपीए एक्ट ऑफ पीएस पोनी पर्टेनिंग टू द टेररिस्ट अटैक ऑन द पिलग्रिम बस व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम शिवखोड़ी ऑन 9th ऑफ जून 2024 इन दिस वन टेरर एसोसिएट नेमली हाकम दी सन ऑफ मखर Age 45 years, resident of Bandrahi, district Rajouri, has been arrested by Jammu and Kashmir police at Riyasi. This person was involved in harboring the terrorists multiple times, along with providing food and shelter. The said person also acted as a guide and helped them in reaching the spot of incident. The arrested person is a prime militant associate who helped the terrorist in execution of the attack. Further interrogation and investigation of the case is going on. Thank you. IR number 31/2024 under section 302-307 IPC 727 Arms Act 16-18-20 UAPA Act mein ek bahut badi safalta aaj hame hasil hui hai. ये उसी केस से रिलेटेड है जो कि 9 जून 2024 को मिलिटेंट्स ने एक नाकाम अपना एक नापाक इरादे के साथ शिवखोड़ी से आती हुई पिलग्रिम्स की बस पे अटैक किया था। इसमें एक आतंकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकम दीन मक्खन के बेटे उम्र 45 साल बंदराही के रहने वाले जो कि जिला रजौरी में पड़ता है उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी, साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था। इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको घटनास्थल तक पहुँचाने का भी काम किया था। ये एक मिलिटेंट एसोसिएट है जिसने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे की इंटेरोगेशन और केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है तो अभी इसका मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी। जिले में कम से कम 150 बंदे संदिग्ध जो कि इस केस से रिलेटेड हमारे को इन्फॉर्मेशन बेसिस पे मिलते रहे या टेक्निकल एविडेंस पे मिलते रहे उनको हम लगातार अरेस्ट करते रहे। हमले में बंदराही एक जगह है रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया। जो मैं वहाँ पे घटनास्थल सिंस मैं उस दिन रियासी में ही थी और मुझे पहुँचने में उस एरिया में 1.5 घंटा लगा था। बाकी जो हमारे थाने की नफरी है और जो हमारे इमीडिएट नाके की नफरी है वो वहाँ पे पहुँच गई थी। वो वीडियोस और फोटोग्राफ्स मैंने भी देखे हैं, वो लोग इंजर्ड को रेस्क्यू करने में शामिल। अभी तक कोई महिला रेस्क्यू 3 आतंकियों का नंबर बताया है कि 3 आतंकी इसके घर पर थे। का कोई स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास नहीं था। यात्राएँ जो हैं आप देख रहे हैं कि यात्राओं का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। छोटी बड़ी यात्राएं जो है वो लगातार चलती जा रही हैं। शिवखोड़ी की यात्रा जो है वो पूरे साल भर चलती है। हम जर्नली अलर्ट रहते हैं ड्यूरिंग यात्रा और एक जर्नली हमने अलर्ट रखा हुआ था। उस दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी भी थी नई गवर्नमेंट की, साथ ही इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था। वी वर अलर्ट एंड कोई स्पेसिफिक इनपुट इसके अटैक के रिगार्डिंग पुलिस के पास नहीं। उसमें मैं किसी की जिम्मेदारी की वजह से या किसी की चूक की वजह से उनको नहीं हटाया गया था। वहाँ पे एक मुझे ऐसे एसएचओ की ज़रूरत थी जो पहले भी वहाँ पे रह चुके हैं, जिनको एरिया की फैमिलियराइजेशन है, जिनको लोगों के साथ
जो उनके पुराने सोर्सेज, जो पुराने उनके एसेट्स हैं, उनको वो अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर सके, उनको कॉन्टैक्ट कर सके। इसीलिए एक पुराने इंस्पेक्टर को लगाया गया है एसएचओ, जो उस टाइम के देन एसएचओ थे, वो फर्स्ट टाइम कोई थाना संभाल रहे थे। और जो ज़रूरत थी मुझे और वो मेरी टीम को, यही थी कि कोई ऐसा इंस्पेक्टर एसएचओ लगे जो कि एरिया को पहले से जानता है। ऐसे एसएच कोई, अगर आप वेपन्स या उस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो एसएच इसके पास से कोई वेपन्स या कोई मटीरियल रिकवर नहीं हुआ है। बट 6,000 रुपीज जो कि वो मिलिटेंट्स इसको देके गए हैं, वो इसके पास से रिकवरी की गई है। वो अगले दिन से ही स्मूथली दोबारा वैसे चल रही थी, शिवखोड़ी श्राइन में भी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में भी। लोग जो है वो जैसे आया करते थे वैसे ही कंटिन्यूसली आ रहे हैं। यही संदेश देना चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट 386 एकदम मुस्तैद है। शिवखोड़ी श्राइन पे, उसके आसपास के इलाकों पे हम लोगों ने अपनी मैन पावर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और वो श्राइन को कोई खतरा नहीं है। आप लोग आए और जैसे आप यात्रा को हमेशा से करते आए हैं अपनी श्रद्धापूर्वक, वैसे ही आगे भी करते हैं। प्रीमेच्योर स्टेटमेंट फॉर मी टू गिव आउट कमेंट ऑन एनीथिंग लाइक दैट एज ऑफ नाउ। एज फार एज दोज मिलिटेंट्स आर कंसर्न, वी आर स्टिल इंटरोगेटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑल पार्ट्स। He is, as per the initial interrogation, he is divulging the facts that three times those militants came to his place and he provided them food and shelter three times. And just before the day of attack, one day prior to the day of attack, they were residing at his place and they took food and shelter multiple times. And then he dropped them at the spot of incident via the dense forests of those areas, cross country. So as far as his role is concerned, this is what he has divulged so far. If there will be any other information after more interrogation on our part, we will let you know. No road opening party, it has never been deployed on this area. And that why did they choose this particular spot, I won't be able to tell on that. But yes, that was an unfortunate attack and we are working on it. पे मैं मल्टीपल टाइम गई हूँ, वहाँ पे लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है और वहाँ पे उन्होंने जब भी सिक्योरिटी की बात हुई है तो उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन भी दिखाई है कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो चाहे वहाँ की CRPF हो, वो सब उनको पता है कि मुस्तैदी से लगी रहती है ऑन द ट्रैक एंड इन द विसिनिटी ऑफ द ट्रैक। वो ऑलरेडी बढ़ा दिए गए हैं और सभी जितनी भी CRPF है उसमें और इंडक्ट की गई है। 2 more boys हैव बीन डिप्लॉयड इन द शिवखोड़ी श्राइन। ये नहीं कह पाऊंगी इस वक्त कि आतंकी गतिविधियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे बिल्कुल रजौरी रियासी के बॉर्डर पर उन्होंने ये अंजाम दिया था। उनका जो मोडस ऑपरेटिव यही था कि वो आसानी से जंगलों के थ्रू आए और जंगलों के थ्रू ही वापस निकल जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि रजौरी में वो रिजाइड कर रहे थे, वो आए, उन्होंने अटैक को अंजाम दिया और वहीं से वो रजौरी के जंगलों की तरफ ही भाग गए। मुश्किल होगा, बट इनिशियली हमें थोड़े से हिंट्स मिले हैं कि ये उनको वापस ले जाने में भी उनके साथ शामिल था। बट इट विल बी अ प्री मैच्योर स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन एंड is concerned, we are still working on the terror associate that we have apprehended today. And he is not in a position to divulge the facts that when they were there. So whether they were involved in other attacks or whether they will be involved in another, they are planning on other attacks, he won't be able to divulge and so can't.